नमस्कार साथियों, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रीजनिंग का टॉपिक। और जो रीजनिंग का टॉपिक है हम लोगों का वो है न्याय निगमन। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ पार्ट टू, तो पार्ट टू इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोगों ने इसका पार्ट वन पढ़ लिया है। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पार्ट वन की जो कुछ चीजें हैं वो भी आप लोगों को रिविजन कराऊंगा। तो ये टॉपिक है अपना रीजनिंग का, इंग्लिश में सिलोजिज्म और न्याय निगमन। कथन और निष्कर्ष वाले जो प्रश्न है वो इससे पूछे जाते हैं। मैंने आप लोगों को कल ही बताया था जब हम लोगों ने इसका पार्ट वन बनाया था, तब क्या बोला था मैंने कि इसके दो मेथड होती हैं। एक तो होती है बैन डायग्राम वाली मेथड और दूसरी मेथड हम लोगों की होती है 100% और 50% वाली। तो मैंने बोला था कि अगर आप 100% और 50% वाली मेथड से करते हो तो वो आप लोगों के लिए जो चीजें हैं वो क्या रहेंगी, आसान रहेंगी, ठीक। और हालांकि बैन डायग्राम से भी जो चीजें वो बन जाएंगी, परंतु उसमें क्या होता है जब दो तीन कथन और बहुत सारे निष्कर्ष दिए होंगे तो आप लोग उसमें फंसने के चांस रह सकते हैं। तो चलते हैं आगे बात करते हैं। तो देखना मैंने क्या बोला है कि ये पार्ट हमारा हो चुका है और ये दूसरा पार्ट है, तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा पढ़ना है तो आप पहला पार्ट पढ़ लेना, नहीं तो मैं यहाँ थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा और आगे बढ़ूंगा, ठीक। और अगर आप लोगों को इन सभी चीजों की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे जो टेलीग्राम चैनल है या जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़ सकते हैं, जिससे हम लोग ये जो चीजें पढ़ेंगे उन सबकी आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक। तो ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, आप इससे जुड़ सकते हो, ठीक। क्या है तो रामनिवास सर क्लासेस, तो आप इससे जुड़ सकते हो। इस पर आपको मैथ रीजनिंग इन सब की पीडीएफ भी मिलती जाएंगी, क्लासें भी मिलती जाएंगी। तो चलते हैं आगे बात करते हैं। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, भले ही मैंने कल पढ़ा दिया था परंतु मैं थोड़ा सा रिविजन आप लोगों को कराता हूँ, ठीक। देखने की आप लोग एक बार कोशिश करना क्या है क्या नहीं है। तो देखो हम लोग चलते हैं आगे और बात करते हैं। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि इसमें क्या होता है, कुछ कथन रहते हैं, निष्कर्ष रहते हैं, और कथनों के जो प्रकार हैं वो मैंने बोला था एक तो पॉजिटिव रहते हैं एक नेगेटिव रहते हैं। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव रहते हैं दूसरा रहते हैं कुछ वाले और कुछ नहीं वाले। तो ये चीजें डिटेल में अपन ने कल पढ़ ली थी, लेकिन अभी ध्यान रखना कि एक तो जो है वो कथन हमारे पॉजिटिव रहते हैं और कैसे रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, और दूसरे जो कथन है वो हमारे क्या रहते हैं, कुछ या सम नॉट वाले रहते हैं। नेक्स्ट मैंने बोला था कि इसमें हम लोगों को ये बातें तो बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ये वाली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मैंने बोला था कि ये बाकी जो नॉर्मल सिलेबस है उसमें ये सारी चीजें नहीं रहती है, बैंकिंग वगैरह में रहती है हमारी। तो ये सारी की सारी चीजें, ये जो 5 और 6 नंबर का पॉइंट है वो जरूरी नहीं है, लेकिन ये पॉइंट हमारे लिए जरूरी नहीं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सारा का सारा टॉपिक ही हमारा बस इसी पर होना है, ठीक। तो चलते हैं अपन लोग बात करते हैं आगे। मैंने क्या बोला था कि इनको भाई चारों के चारों पॉइंटों को कंठस्थ याद कर लेना। सर कैसे और क्या याद करना है तो एक बार और सुन लो, क्योंकि इसी से तो सारे हमारे क्या होने हैं, क्वेश्चन होने हैं। मैंने बोला था एक कथन इस प्रकार से रहेगा कि सभी ए बी है, क्या रहेगा, सभी ए बी है। तो ये पॉजिटिव कथन है और पॉजिटिव कथन में जिसके आगे सभी लगा है वो 100% होगा और ये जो है ना दूसरे नंबर का वो 50% होगा, मतलब 50 होगा। और अगर कोई भी ए बी नहीं है तो ये नेगेटिव है, और इसमें कहा है कि कोई भी ए बी नहीं है तो ये भी 100 होता है और ये भी कितना होता है, 100। बस इतना याद रखना है आप लोगों को। अगली अगर हम लोग बात करें तो कुछ ए बी है तो ए बी पॉजिटिव है, लेकिन जहां कुछ लग गया तो 50-50 का कंसेप्ट है। वो कितने का कंसेप्ट है भैया, 50-50 का, क्योंकि कुछ में ऐसा रहता है कि 100% सियोरिटी नहीं है, इसमें क्या है 50-50% की सियोरिटी रहती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो फिर कुछ ए बी नहीं है तो देखो ए तो कुछ है तो वो तो 50 है, लेकिन क्लियर हो गया कि बी नहीं है तो वो कितना है, 100। तो मात्र आपको चार बातें याद रखना है कि कब कथन कैसा रहता है, तो 100 रहता है, 50 रहता है, और कुछ याद नहीं रखना है। और नेक्स्ट आपको छोटी सी बात ये याद रखना है कि देखो 100% ट्रू यानी सत्य वाले कथन भी होते हैं, 100% फॉल्स वाले भी होते हैं, और पॉसिबिलिटी वाले भी होते हैं, संभावना वाले भी होते हैं। और नेक्स्ट अगली जो कुछ बातें रखना है बस वो ये दो चीजें और याद रखना है। अगर आप लोग बस इतनी चीजें याद रख लोगे तो आपसे जो क्वेश्चन है वो लगातार बनते जाएंगे। देखो ध्यान से, अगर पॉजिटिव कथन है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही निकलेगा, और कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव ही निकलेगा। 100% वाला है वो 50 बन सकता है, लेकिन 50 वाला कभी 100 नहीं बन सकता, ठीक। सर इसके लिए डिटेल में कहाँ जाए, तो डिटेल में मैंने बोला जो पहला पार्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है आप उस पर जाकर देख सकते हो उस पूरे पार्ट को डिटेल में जाने के लिए। तो ये बातें थी कुछ, ठीक। अब चलते हैं हम लोग आगे, और ये मैंने पहला क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया था, ठीक। दूसरा क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करा दिया था और तीसरा क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया था। आगे अगर बात करें तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया था, यानी यहाँ तक हम लोग कर चुके थे क्वेश्चनों को। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग सुनना भैया, जितने भी लोग हैं सारे के सारे, कि इस ऐसी की ऐसी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए मैंने बोला है कि अपना टेलीग्राम जो
ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। इस पर हम लोग ये सारी पीडीएफ मैं उस पर आप लोगों को भिजवा दूंगा। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, उनके बारे में डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उस पर चलते हैं। एकदम धैर्य से, तसल्ली से, बहुत आसानी से देखना। सबसे पहले हम विचार करेंगे कथन के ऊपर। किसके ऊपर? कथन के ऊपर। तो कथन के ऊपर हम विचार करेंगे। तो मैंने क्या बोला है आपसे कि देखो क्या लगा है? तो सर सभी लगा है, सभी। जब सभी लगा है तो ये 100 होगा, थोड़ी देर पहले बताया था। सभी आम सेब हैं, तो फिर ये कितना होगा? 50 होगा। कथन कैसा है? पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें कहीं भी नेगेटिविटी की बात हुई नहीं है। ठीक, नहीं उसने लगाया नहीं है, तो ये कैसा कथन है? तो पॉजिटिव कथन है भैया। कैसा है? पॉजिटिव। सर दूसरे पे चलना, सभी सेब अंगूर हैं। तो सभी सेब अंगूर है, तो सभी सेब, ये पहला वाला पॉइंट है। देखो चार पॉइंट है, चारों याद रखना। ये पहले वाले पॉइंट की बातें हैं दोनों। सभी सेब, सर ये तो 100 है। अंगूर हैं, सर 50 है। कितना है? 50 है। तो ये भी कैसा कथन है भैया? पॉजिटिव। ये भी कैसा कथन है? पॉजिटिव। ये कहां से कैसे आते हैं? तो ये मैंने चारों पॉइंट आपको बताए हैं, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार और लिख दे रहा हूं कि सभी सभी ए अगर बी हैं, तो फिर क्या होता है? जिसके साथ सभी है वो 100% है, और बाकी जो दूसरे नंबर की बात है वो 50% है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा निष्कर्षों की तरफ, कि इनसे जो निष्कर्ष निकालना है हम लोगों को, वो निकल रहे हैं निष्कर्ष या नहीं निकल रहे हैं। सर अगर आप पहला निष्कर्ष देखें, तो इसमें लिखा है कुछ अंगूर सेब हैं। कुछ अंगूर क्या है? सेब हैं। तो कुछ अंगूर सेब हैं, तो यहाँ सर हम जाएं कहाँ? इसको देखें कि उसको देखें? तो अपन लोगों को ये देखना सेब और अंगूर वाली बात कहाँ है। अभी तो भैया ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें इधर की उधर की चीजें मिलेंगी, मतलब कंबाइन होंगी, तो वो क्वेश्चन भी हम लोगों के आएंगे। तो उसकी चिंता आप लोग ना करें, वो मैं सारी चीजें बताऊंगा। जब एक किसी कथन से निष्कर्ष जो है उसके आंसर नहीं आएंगे, दो दो तीन तीन कथन हम लोगों को मैच करने पड़ेंगे, तभी हम क्या दे पाएंगे आंसर। तो सभी सेब अंगूर हैं, सर यहाँ से आ पाएगा ये अंगूर और सेब वाली बात है, क्योंकि उसमें भी अंगूर सेब है, इसमें भी अंगूर सेब है। अब कुछ हैं तो जी 50, और कुछ वाले में तो जी भी 50। कथन पॉजिटिव है सर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सेब जो है वो 100 है और यहाँ सेब 50 है। तो मैंने बोला 100 से 100 बन सकता है, 100 से 50 बन सकता है, लेकिन 50 से 100 नहीं बन सकता। सर अंगूर यहाँ 50 है, अंगूर यहाँ 50 है, तो काम हो जाएगा। मतलब ये वाला जो निष्कर्ष है वो सही है। अभी तो पहला निष्कर्ष जो है वो सही है। आगे चलो, 100 से 50 बन सकता है, 50 से 50 बन सकता है, लेकिन 50 से 100 नहीं बन सकता, गांठ बांध लेना। ठीक है, चलो आगे। अब यहाँ चलो सर, कि कुछ सेब आम नहीं है। तो पहली बात तो ये सर नहीं लग गई है। क्या लग गई है भैया? नहीं। जैसे ही नहीं लगी है और दोनों कथन जो है वो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो आंसर होना ही नहीं है। नेगेटिव तो क्या नहीं होना है आंसर? तो ये बात तो एकदम गलत हो गई। ये बात तो क्या हुई? एकदम गलत हो गई। तो अब हमारा जो एकदम करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? तो ए। एकदम करेक्ट आंसर है वो कौन सा भैया? ए। क्या है? केवल निष्कर्ष एक सही है। कौन सा निष्कर्ष सही है भैया? केवल निष्कर्ष एक सही है। चलते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो आपके सामने अगला क्वेश्चन है। सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो देखो कथन कह रहा है कि सभी आम सेब हैं और सभी सेब अंगूर हैं। तो पहली चीज तो पीछे लिख लो कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी कैसा है? पॉजिटिव कथन है। सबसे पहले तो यही देखो कि कथन कैसे हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अगर आपको कथन एकदम समझ में आ गया कि ये क्या है, तो अपना क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाएगा। तो सर इसमें क्या करें हम लोग? तो ऐसा है भैया, इसमें आराम से सभी, तो सर 100। ठीक, फिर ये कितना? तो 50। यानी ये पहला ही पॉइंट चल रहा है। अगर पहला ही पॉइंट आपको पता है कि सभी ए बी हैं, तो सभी जिसके आगे लगा वो 100%, बी है तो वो कितना परसेंट? 50। वो कितना? 50। सभी सेब अंगूर है सर, तो ये कितना? 100। भैया ये कितना? 50। 50। कितना? 50 यानी 50। अब हम लोग देखते हैं एक एक से निष्कर्षों के बारे में। सर हम निष्कर्ष जैसे ही देखे तो उसमें लिखा है कि कुछ अंगूर सेब नहीं है। जैसे ही हमने देखा नहीं है, तो आगे तो हमें सोचना ही नहीं है कुछ कुछ के बारे में, सभी के बारे में। क्यों नहीं सोचना? क्योंकि ये दोनों ही जो कथन है वो पॉजिटिव है। तो हमने कहा है कि पॉजिटिव कथन का नेगेटिव निष्कर्ष तो हो ही नहीं सकता। पॉजिटिव का पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का नेगेटिव होगा। तो चलो सर एक बात तो गलत हो गई भैया। ठीक, पहला निष्कर्ष तो इसका होने से नहीं था, मतलब होगा नहीं। अब आप लोग देखो अगला, कि कुछ सेब आम है। क्या है भैया? कुछ सेब क्या है? आम है। सर कुछ है तो हम यहाँ लिख दे रहे 50। आम है तो ये तो कुछ वाली बात है, तो ये भी 50। अब सेब और आम कौन से कथन में है? सर सेब और आम पहले कथन में है।
सेब और आम कौन से कथन में है भैया, पहले कथन में है। तो यहाँ से देखना जो सेब है वो 50 है सर, यहाँ भी 50 है, तो 50 से 50 तो बन सकता है। कथन से चेक करते हैं हम निष्कर्ष, 50 से 50 बन सकता है, 100 से 100 बन सकता है, 100 से 50 बन सकता है, लेकिन कभी भी 50 से 100 नहीं बनेगा। ठीक, यानी आधी अधूरी बात 100% ना तो सत्य हो सकती है ना तो क्या हो सकती है, गलत हो सकती है। ठीक, ये जरूर है कि 100% वाली जरूर ठीक 50 बन सकती है, लेकिन 50 वाली क्या नहीं बनेगी, 100। चलो चलते हैं। अब सर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेब 50 है, यहाँ सेब 50, 50 से 50 बन सकता है, आम सर 50 है। देखो जो सेकंड वाला है, कुछ वाला, अगर ये 50 होता तो ये भी 50 होता है। सर आम 50 है, ये 100 है, तो भाई यही देखना हमको कि कथन से निष्कर्ष बन सकता है 50, मतलब 100 से 50 बन सकता है, लेकिन अगर यहाँ 50 होता है, यहाँ 100 होता तो वो नहीं बनता, तो वो गलत हो जाता। तो देखो ये बात है कि ये 100 है सर, आम 100 है, ये आम 50 है, बन सकते हैं, तो मतलब इसका निष्कर्ष दूसरा सही है। और ऐसा हम लोगों के लिए ऑप्शन नंबर किस में पड़ा हुआ है भैया, तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी में पड़ा हुआ है कि केवल निष्कर्ष 2 जो है वो सही है, केवल निष्कर्ष नंबर जो सेकंड है वो क्या हमारा सही है। ऐसी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगर आप लोग इस पर नए जुड़े हुए हैं मतलब चैनल पर, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट कर सकते हैं, ये आप लोगों की मर्जी है। ठीक, चलो चलते हैं आगे और बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, एक बार कोशिश करो आप सर इसको करने की और आंसर देने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग एक बार कोशिश कर सकते हो उसको करने की। ठीक है, अगर आपको आएगा तो ठीक, और नहीं आएगा तो मैं तो आप लोगों को बता ही रहा हूँ, तो आप लोग एक बार कोशिश करो भैया इसको करने की, जैसे मैंने आपको अभी ये जो क्वेश्चन करे हैं बस उनको देख कर ठीक समझ कर। अगर नहीं आया हो तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो फिर से आप लोगों को कथन पर क्या करना है, विचार करना है। फिर से अगर आपको कथन पर विचार करना है तो यहाँ फिर से सर सभी लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर सर सभी लगा हुआ है और सभी आम सेब है, मतलब ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों कथन सर तो हमारे पॉजिटिव है। सभी लगा है तो ये 100 है, तो ये सर 50 है। सर ये सभी लगा है तो ये 100 है, ये कितना है सर, 50 है। अब बहुत तसल्ली से एकदम आप लोग धैर्य से सुनना, क्या सुनना है कि सर जैसे ही हम निष्कर्ष पे गए तो हमको कोई नेगेटिव निष्कर्ष नजर नहीं आ रहा, तो ये जो निष्कर्ष है वो तो पॉजिटिव है, तो मतलब अब हम लोग इन कथनों से संभावना निष्कर्ष में बना सकते हैं, लेकिन अभी क्लियरिटी नहीं है कि कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। तो एकदम बहुत आराम से तसल्ली से सुनना, देखो कुछ आम सेब है इसका मतलब ये 50 है, ये 50 है, बोले ओके सर। कुछ सेब अंगूर हैं तो ये 50 है, तो ये 50 है। ये कैसे क्या है, तो इसके लिए मैंने आपको चार चीजें बताई हैं, आप वीडियो को शुरू से देख सकते हो, या ज्यादा है आप तो और अच्छे से देखना चाहते हो तो आप पार्ट नंबर पहला देख सकते हो इसका। चलो देखते हैं आगे बात करते हैं सर। अब क्या करना है, तो देखो आप लोग निष्कर्ष पहले को चेक करो, आम और सेब। सर आम और सेब तो हमको पहले ही कथन में मिल रहे हैं। अब आम सर यहाँ 50 है और 100 है, तो हमने कहा कि कथन से देखना रहता है, कहाँ से भैया, कथन से। अगर कथन में कोई चीज 100 है तो यहाँ 50 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ 50 है तो 50 हो सकती है, हमने कहा है 50 से 50 बनेगा, 100 से 50 बनेगा, लेकिन कभी भी कथन में 50 हो और निष्कर्ष में 100 हो वो बात नहीं बनेगी, वो एकदम 100% गलत हो जाएगी। तो सर यहाँ तो 100 से 50 वाला बन जाएगा, 50 से 50 वाला बन जाएगा, मतलब हम लोगों का पहला निष्कर्ष तो सही है सर। अब सेब और अंगूर किसमें है सर, निष्कर्ष में दूसरा निष्कर्ष जो उसमें सेब और अंगूर है, हमने कथन की तरफ देखा तो वो हमारे कौन से नंबर के कथन में है, दूसरे नंबर के कथन में है। सर अगर हमारे दूसरे नंबर के कथन में है तो हम थोड़ा सा इसको और चेक करें, तो क्या चेक कर सकते हैं कि सर जो सेब है वो यहाँ 50 है, यहाँ 100, तो 100 से 50 बन सकता है और 50 से 50 तो बन ही सकता है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो आप लोग इसमें ऑप्शन देख सकते हो और आंसर लगा सकते हो कि दोनों निष्कर्ष सही है, वो कौन सा ऑप्शन है। ठीक, तो आपको देखते ही नजर आ रहा होगा कि जो ऑप्शन है वो हम लोगों का कौन सा सही है, दोनों निष्कर्ष सही वाला सी, कौन सा सही है, सी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है वो आसानी से समझ में आ रहे होंगे। मैं इतना धीरे धीरे चीजों को करा रहा हूँ कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से आ रहा होगा, अगर आपके अंदर थोड़ा सा दिमाग है तो। अगर दिमाग की कमी है तो ठीक, तो फिर आप बाबा रामदेव का कोई डॉज मौज मिल रहा हो उसको लो। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है।
देखो ये सारे क्वेश्चन मैंने बोला है कि आपको टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर मिल जाएंगे। मैंने सबसे पहले वीडियो के शुरू में आपको बता भी दिया कि जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका नाम क्या है। ठीक, वैसे नाम यही है जो लिखा हुआ है, राम निवास सर क्लासेस। चले आगे। चलो देखो, पहला ये जो कथन है वो क्या कह रहा है। तो सर कथन यहाँ देखा हमने, वहां देखा, तो दोनों ही कथन सर पॉजिटिव हैं। बहुत धैर्य से और तसल्ली से चीजों को समझना। हमने कहा देखो दो बातें हैं कि इन सवालों को वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं और बगैर वेन डायग्राम के भी कर सकते हैं, लेकिन वेन डायग्राम से हम लोग करेंगे तो भी आंसर सही आएंगे और ये 50-100 से करेंगे तो भी आंसर सही आएंगे। लेकिन जब हम लोग कोई एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें टाइम की बहुत अहमियत होती है, तो टाइम बचाने के चक्कर में सबसे बेहतर है ये 150 वाला कंसेप्ट। तो चलते हैं। देखो भैया सभी आम सेब है, सर ये पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव है। अब सभी है सर तो ये 100 है, ये कितना है 50 है। अगर ये सभी सेब है तो ये तो 100 होंगे और ये वाली बात कितने परसेंट होगी, 50। कितनी होगी 50, क्यों क्या, तो इसके लिए हमने पॉइंट आप लोगों को बता रखे हैं। अब चलो चलते हैं, आराम आराम से चर्चा करते हैं अगली। सर अब अगली क्या चर्चा करनी है, तो अब निष्कर्ष देखना भैया कि सभी सेब आम है। अब जैसे ही सभी लगा तो जैसे भी अपने को 100 रखना पड़ेगा और यहाँ कितना रखना पड़ेगा 50। सभी अंगूर सेब हैं, सर यहाँ भी 100 रखना पड़ेगा, यहाँ कितना रखना पड़ेगा 50। क्यों, बोल दिया मैंने, चार पॉइंट हैं, इस वीडियो के शुरू में भी बताया, कल उसी के ऊपर मैंने बहुत सारी चीजें बताई आपको, क्वेश्चन भी कराए पहले पार्ट में। तो देखो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तसल्ली से चीजों को देखो और एक बार समझो, क्योंकि अगर एक बार बेहतर तरीके से चीजों को समझ लोगे तो गलत होने के चांस रहते नहीं है। अब हम लोग एकदम उच्चतर तरीके की पढ़ाई करते हैं तो उसमें तो दिक्कत रहती है कि मन में आई कभी यहाँ से चार क्वेश्चन कर दिए और वहां से कर दिए और कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है तो गड़बड़ होती है। तो देखो भैया चलो चलते हैं आगे, क्या करना है। तो सर कथन जो है ना उसमें यहाँ ये चीजें दी हैं, निष्कर्ष सर दो दिए हुए हैं। हमने बिल्कुल एकदम आसानी से बताया कि जो कथन है वो पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी सर हमारे पॉजिटिव है, तो मतलब हम दोनों निष्कर्षों पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक भी निष्कर्ष नेगेटिव होता तो उसको तो हम हटा ही देते, क्योंकि अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष जो है वो पॉजिटिव ही निकलेगा, नेगेटिव नहीं निकलेगा। चलो आगे बात करते हैं। तो सर यहाँ पर देखो सेब और आम कहाँ पर है, सर सेब और आम पहले में ही मिल रहे हैं। आम सर 100 है और यहाँ आम 50 है, तो 100 से 50 बन जाएगा, लेकिन दिक्कत कि सेब यहाँ 50 है और यहाँ निष्कर्ष में 100 है। बस यही बात मैं आपको इतनी देर से बताना चाह रहा हूँ, सुनना। सेब यहाँ 50 है, यहाँ सेब 100 है। भैया अगर कथन में सेब 50 है तो निष्कर्ष में जो सेब है वो 100 हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब बात आधी यहाँ है तो निष्कर्ष में पूरी कैसे हो जाएगी, तो बस ये बात क्या हो जाती है, गलत। मतलब कथन अगर 50 है और निष्कर्ष 100 हो जाए तो वो हो नहीं सकता, वो क्या हो जाएगा, गलत निष्कर्ष हो जाएगा। तो ये बात मैं इतनी देर से बोल रहा था, आप लोगों को यहाँ समझ में आई होगी ऐसी मुझे उम्मीद है, नहीं आई तो एक बार और सुनो। मैंने क्या कहा कि भाई सभी आम सेब है तो ये 100 होता है, ये 50 होता है, दूसरी वाली कंडीशन। अच्छा यहाँ सर 100 50। अब मैंने बोला कि इसी से तो हम चेक करते हैं, कथन से ही तो चेक करते हैं हम लोग कि निष्कर्ष सही है कि नहीं है। तो सर यहाँ से हमने चेक किया कि जो सेब है वो 50 है, चलो पहले यहाँ देख ले रहे हैं कि सर सेब है यहाँ 50 है 100 हो जाएगा, अगर ये 50 है तो ये 100 हो जाएगा, नहीं होगा भैया। यही मैं जबरदस्ती बोल रहा हूँ, फिर से सुनो एक बार, कि अगर आम 100 है तो यहाँ आम 50 है हो जाएगा, लेकिन अगर कथन में 50 है सेब और यहाँ 100 दिया है निष्कर्ष में, नहीं होगा। यही बात इतनी देर से बोल रहा हूँ, मतलब इसीलिए ये क्या होगा, गलत होगा, ये निष्कर्ष ही पूरा गलत हो जाएगा। चलो सर आगे देखो, अगर आगे हम लोग देखें तो यहाँ पर अंगूर है और यहाँ पर क्या है सेब। ऊपर देखो सर सेब यहाँ पर 100 है तो 100 से 50 हो जाएगा, हमने कहा 100 से 50 हो जाएगा, अंगूर सर 50 है तो 50 से 100 अंगूर नहीं होंगे, इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है भैया, ये भी क्या है, गलत है। अभी तक जितने लोगों का दिमाग खराब हो रहा होगा कि सर बीच में पहले बोल क्या रहे थे, क्लियर हो गया होगा। देखो आप कि 100 से 50 तो हो जाएगा, लेकिन 50 से अंगूर सर यहाँ 100 हो रहे नहीं होगा, अगर कथन ही 50 है तो निष्कर्ष कैसे 100 हो सकता है, ठीक, निष्कर्ष हो ही नहीं सकता, तो मतलब ये वाला भी क्या है, गलत। तो यानी इसमें तो पहला निष्कर्ष भी गलत हो गया, दूसरा निष्कर्ष भी गलत हो गया। तो अब आप लोग आराम से शांति से धैर्य से आंसर लगा सकते हो, सर हम लोग क्या आंसर लगा दें, तो आप आंसर लगा सकते हो कौन सा सही होगा इसका, डी। कौन सा आंसर, डी आंसर इसका क्या होगा, सही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो चीज़ें हैं वो समझ में आ रही होंगी। अगर आप लोगों को चीज़ें सही तरीके से समझ में आ रही हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, जिससे हम लोग आगे जो वीडियो है वो और लगातार इसके बनाते रहें।
और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ये चीज़ें करते रहना, ठीक। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताते जाना कि अपन लोग इसके लगातार और वीडियो बनाएं कि नहीं बनाएं, क्योंकि ये तो बेसिक बातें हैं। हालांकि बेसिक से ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा और स्टैंडर्ड अगर अपन लोग करने की कोशिश करें इसको, तो जो कॉमन वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी करेंगे, ठीक। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है।